यह है आवास योजना की लिस्ट, यह है मेरा नाम विनोद और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे 1,20,000 रुपए आवास योजना के तहत मिल चुका है। कैसे मिला बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर और गूगल पर जाके आपको लिखना है RHE रिपोर्टिंग लिखने के बाद आपको इसे सर्च करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे लिख के सर्च करेंगे आपके सामने एक पहला ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी आएगी। इस फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन को क्लिक करना है। फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपके सामने यहाँ पर ये ऑल स्टेट्स का एक ऑप्शन आएगा तीसरे नंबर पर, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ तो मैं मध्य प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ज़िला है वो भोपाल ज़िला है और भोपाल ज़िला यहाँ पर जो मेरी तहसील है वो बैरसिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका गाँव लगता है आपको यहाँ पर वो क्लिक करके देख लेना है कि आपका जो गांव है वो कौन सा लगता है। तो मैं आपको कोई भी एक गांव सेलेक्ट करके दिखा देता हूं और यहां पर आपको ये जो कैप्चा है इसको पूरी तरह से भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहां सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बेनिफिशरीज की लिस्ट खुल चुकी है। 1,20,000 का अमाउंट जो है वो अभी इस नई रिपोर्ट के अनुसार लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करने पड़ेंगे, इसमें सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिसका जो पीडीएफ है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाना है। आपको आधार कार्ड के अलावा समग्र आईडी देनी है अपना। आप आय प्रमाण पत्र लगा दीजिए, अगर आप ITR भरते हैं तो ITR लगा दीजिए। और ये जो लिस्ट है ये भी मैं अपने PDF में डाल दूंगा। ये सभी पेपर ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी तक आपके सचिव के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे और वहां से आपको जो आपके पीएम आवास योजना की राशि है वो अगर यदि आप पात्र होते हैं तो आपके बैंक खातों में सीधी भेज दी जाएगी।